अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक्स बॉक्स 360 के हवाले से कि एक्स बॉक्स 360 में हम XeX मेन्यू को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसके अंदर हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा एक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा XeX मेन्यू को डाउनलोड करने का और देन उसको अपने एक्सबॉक्स 360 JTAG RGH कंसोल में इंस्टॉल करने का। तो फ्रेंड्स, पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि XeX मेन्यू है क्या और उसका क्या बेनिफिट है इन कंसोल्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, XeX मेन्यू जो है बेसिकली समझ लें कि वो एक सॉफ्टवेयर है जो आपको कंसोल के जो बैक फाइल्स हैं उस तक रसाई हासिल करने में मदद देता है। यानी कि जब आपका XeX मेन्यू आपके कंसोल में इंस्टॉल होगा तो बहुत इजीली आप अपने कंसोल की हार्ड ड्राइव के अंदर कोई भी गेम कम्प्लीटली कॉपी कर सकेंगे और उसके कवर्स, टाइटल्स और ये चीज़ें बाद में आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना होता है और उसको फॉलो करने के बाद आप उसको अपने कंसोल के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे और उसको यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है XeX मेन्यू को अपने एक्सबॉक्स 360 के अंदर इंस्टॉल करने के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक अदद USB चाहिए होगी। अब उसका ये उसमें कोई वैल्यू नहीं है कि कितने GB की हो, मिनिमम 2 GB, 4 GB, जो भी USB है वो आपकी चल जाएगी। USB प्लग इन करने के बाद आपने मेन्यू का बटन यानी कि सेंटर वाला बटन प्रेस करना है और उसके बाद आप चले जाएंगे सिस्टम सेटिंग्स के अंदर। ओके, सेटिंग्स के अंदर जाना है। देन फ्रेंड्स, नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा स्टोरेज का। स्टोरेज के ऊपर जाकर आपने ए प्रेस करना है। उसके बाद ये देखें, जितनी भी ड्राइव्स आपके कनेक्ट होंगी वो शो हो जाएंगी। मैंने ये स्टोरेज मेरी डिवाइस है USB स्टोरेज डिवाइस, जब आप कनेक्ट करेंगे तो इस तरह आपकी भी USB शो होगी। इस पर जाकर आपने ए प्रेस करना है। तो ये देखें, ये इसके अंदर तमाम मटेरियल आपको नज़र आ रहा है। अब आपने सबसे पहले क्या कर लेना है कि इस डिवाइस को यहाँ पर आपने फॉर्मेट कर लेना है एक्सबॉक्स 360 के द्वारा। इसको इस जब आप इसमें से फॉर्मेट करेंगे तो इस फाइल सिस्टम के तहत यानी कि FAT32 के तहत वो फॉर्मेट होगी और फिर इसके अंदर जो भी आप मटेरियल डालेंगे वो इस कंसोल के अंदर रीडेबल हो जाएगा और वो इसमें शो हो जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल आपने इसको फॉर्मेट कर लेना है। उसके लिए आपने वाई दबाना है और नीचे फॉर्मेट आ जाएगा, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और देन आपने यस कर देना है और अब ये फॉर्मेटिंग हो रही है। कुछ ही देर में ये फॉर्मेट हो जाएगी एक्सबॉक्स 360 के कंसोल के अंदर। तो ये फ्रेंड्स, अब आपकी USB फॉर्मेट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसका स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने USB को अनप्लग करना है और अपने कंप्यूटर पर लगाना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम अपने कंप्यूटर की तरफ आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप आपने सिंपल ये कर लेना है कि आपने XeX मेन्यू 1.2 डाउनलोड कर लेना है। उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सिंपल लिंक पर लेफ्ट क्लिक करके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं या आप सिंपल उसको कॉपी करके अपने ब्राउज़र में यहाँ पेस्ट करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने सिंपल XeX मेन्यू 1.2 इस लिंक के ज़रिए जो है वो डाउनलोड कर लेना है। अभी इसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर कि किस तरीके से उसको आपने USB के अंदर अपना कॉपी करना है और देन उसको किस तरीके से आप अपना एक्सबॉक्स 360 के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो ये लिंक अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपके सामने ये लिंक ओपन हो गया। तो सिंपल आपने क्या कर देना है, इस डाउनलोड वाले बटन पर लेफ्ट क्लिक कर देना है। ओके, और आप इसको ओपन पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर इसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और डाउनलोडिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा इसका फर्दर प्रोसीजर जो है वो क्या करना है। और वैसे आपको मैंने बता दिया था कि मेगा सिंक में पिछली आपने मेरी वीडियो अगर नहीं देखी तो वो देख सकते हैं कि कैसे आप वीडियो गेम्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं एक्सबॉक्स 360 की। उसमें मैंने ये भी बताया कि मेगा सिंक का अकाउंट कैसे बनेगा और किस तरीके से आप अपना मेगा का अकाउंट जो है वो बना सकते हैं।
और किस तरीके से अपनी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आप ट्यूटोरियल भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डाउनलोड कर दिया और ये देखें आपके सामने इस तरह का जिप फाइल जो है वो शो हो जाएगा, XeX मेन्यू 1.2। और ये इस तरीके से आपने सिंपल इसको अनजिप कर देना है। तो कैसे आप करेंगे कि आप इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन भी कर सकते हैं, ये आपने ओपन किया ओके, और ये इसके अंदर जो है मटेरियल मौजूद है। आप सिंपल इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और ये आपका जो है एक्सट्रैक्शन जो है डेस्कटॉप पे स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये देखें इस तरीके से आपको ये फोल्डर जो है बना हुआ मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये देखें इस तरीके से ये वाला फोल्डर आपके सामने आ गया, इसके अंदर ये XeX मेन्यू जो है इसके अंदर मौजूद है। देन आपने क्या कर लेना है, आपने एक और फोल्डर, न्यू फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है ओके। और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, इसको आपने नाम देना है ये वाला, कितनी दफ़ा ज़ीरो है, ये है जी 16 ज़ीरो का आपने इसको नाम देना है। ये कॉपी कर दिया मैंने इसको 16 ज़ीरोस को, और मैंने क्या किया इस फोल्डर को रीनेम कर दिया, रीनेम करके इसको मैंने 16 ज़ीरोस का नाम दे दिया। और देन मैं इसके अंदर ये, अब ये जो है आपका उसके अंदर जो है वो रनिंग एक्सबॉक्स 360 के अंदर जो है वो रन हो जाएगा। अब सिंपल हम क्या कर लेते हैं, हम इस मैंने ये भी रखा हुआ है, ये देखिए ये भी मैंने एक्सबॉक्स का जो है XeX मेन्यू जो है वो रखा हुआ है ये। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको ट्रांसफ़र करते हैं अपनी USB स्टिक के अंदर। अब आपने USB स्टिक जो है वो इसके अंदर लगा लेनी है। अब ये वो USB स्टिक है जो एक्सबॉक्स 360 कंसोल द्वारा फॉर्मेट हुई हुई है। तो जैसे ही ये स्टिक ओपन होगी तो ये दो फोल्डर्स आपके सामने नज़र आएंगे। अगर आपको ये फोल्डर्स नज़र नहीं आ रहे तो आपने क्या कर लेना है, विंडोज 10 में फाइल में जाकर फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस में आप जाएंगे ओके, फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाकर आपने व्यू पर लेफ्ट क्लिक करना है और शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स को करके अप्लाई करके ओके कर देना है। तो फिर आपको ये कंटेंट वाला फोल्डर भी जो है वो नज़र आ जाएगा। देन सिंपल आपने कंटेंट वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है और ये जो 00 वाला फोल्डर है इसको आपने इसके अंदर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये USB के अंदर XeX मेन्यू 1.2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि उसके अंदर ऐड हो रहा है। और हम इसके बाद इस USB को अपने कंसोल के साथ अटैच करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको जनाब XeX मेन्यू को अपने इंस्टॉल कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा ऐड हो गया। सिंपल हमने क्या करना है, माई PC में जाकर USB को इजेक्ट कर, और ये मैंने USB इजेक्ट कर ली। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स Xbox 360 की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो वापस Xbox 360 कंसोल के ऊपर हम आ गए हैं और मैंने इसमें वो XeX मेन्यू 1.2 वाली जो USB थी वो मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, देखते जाएं आप। तो ये कंसोल पे आके आपने सबसे पहले जनाब क्या करना है कि आपने एंड पे चले जाना है सिस्टम के ऊपर ओके। ये देखें सिस्टम प्रोफाइल प्रेफरेंसेस सबसे एंड में आपको नज़र आ जाएगा सेटिंग्स में। तो सिस्टम के ऊपर जाकर आपने सिंपल लेफ्ट क्लिक करना है और उसी तरीके से आप नीचे चले जाएंगे फ्रेंड्स स्टोरेज के ऊपर, इस पे जाकर आपने ए जो है वो प्रेस कर देना है। और ये देखिए USB स्टोरेज डिवाइस ये मैंने अटैच की थी, इसके अंदर ही मैंने XeX मेन्यू अभी इंस्टॉल किया है कंप्यूटर द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपने USB स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जाकर सिंपल आपने ए प्रेस कर देना है। तो ये आप देखेंगे कि डेमोस के अंदर आपको ये 204 MB नज़र आ रहा है, यही वो XeX 1.2 मेन्यू है। अब इसको कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, सिंपल आपने डेमोस पे जाकर ए प्रेस करना है तो ये आपके सामने XeX मेन्यू 1.2 शो हो जाएगा। यहाँ से आपने दोबारा ए प्रेस करना है और मूव पर जाकर दोबारा आपने ए प्रेस कर देना है ओके। तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको कहाँ रखना चाह रहे हैं, तो आपने अपनी मेन हार्ड ड्राइव के अंदर इसको स्टोर करना है। तो सिंपल आप हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट कर दोबारा ए प्रेस करेंगे ओके। तो क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है XeX मेन्यू 1.2, तो मैं इसको अगेन इंस्टॉल नहीं करूँगा, तो मैं सिंपल इसको नो कर दूँगा ओके। तो ये इस तरीके से आपका ये XeX मेन्यू 1.2 जो है वो आपकी हार्ड ड्राइव में अब इंस्टॉल हो चुका है।
तो वापस इसको चेक करने के लिए आप सिंपल वापस जाएंगे, और आप इसको चेक करने के लिए ये आप जाएंगे दोबारा माई गेम्स में। इस तरीके से ये माई गेम्स, इसको जाके आप ओपन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं XeX मेन्यू 1.2। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका XeX मेन्यू 1.2 आ चुका है। आपने सिंपल इसको ए दबा देना है तो ये आपका XeX मेन्यू जो है यहाँ से 1.2 लॉन्च हो जाएगा। आप इसकी मदद से बेनिफिट्स, आप कुछ भी अपने हार्ड ड्राइव में यहाँ से इसको खोल कर कॉपी कर सकते हैं। ये इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा सिंपल। आप अपना ऊपर राइट वाला बम्पर जो है उसको प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये इसने आपकी हार्ड ड्राइव खोल दी। देन आप यहाँ से एक्स प्रेस करेंगे तो ये मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस देगा कि आपने यूएसबी भी यहाँ से खोल सकते हैं। मिसाल हम यूएसबी जीरो पर जाकर दोबारा ए प्रेस करते हैं तो ये यूएसबी जीरो जो है इसने खोल दी। देन हम यूएसबी वन पर जाकर ए प्रेस करते हैं तो ये इसने यूएसबी वन हमारी जो है वो शो कर दी। अगेन हम HDD 1 पे जाते हैं तो ये इसने हमारी HDD 1 जो है वो शो कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसके अंदर कुछ भी इसके अंदर जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। इसको आप मिसाल है कॉपी करने के लिए हम USB 1 में जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कंटेंट कॉपी करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर जाकर आप वाई प्रेस करेंगे तो कॉपी आ जाएगा, और कट भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं इसकी मदद से फोल्डर नया हार्ड ड्राइव के अंदर। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, और हम चले जाते हैं HDD 1 पे, और यहाँ आकर सिंपल हमने पेस्ट कर देना है तो हमारा वो फोल्डर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, एक्सबॉक्स 360 की हार्ड ड्राइव के अंदर कोई भी चीज़ कॉपी करने का, पेस्ट करने का, क्रिएट करने का, फोल्डर्स को मैनेज करने का के लिए ये यूज़ होता है। तो उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप जान चुके होंगे कि XeX मेन्यू किस तरीके से आप अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है फ्रेंड्स तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।